कर देंगे धरती गगन, अब झुकेगा नहीं अपना कभी ये तिरंगा। अरे भेद सरों की चढ़ा देंगे हम और बहा कर रहेंगे आजादी का गंगा। क्रांतिकारी विधाई आप लोगन विधाई एक एक मियान से ध्यान लगा के एक एक शब्द एक एक लाइन आप लोग समझिया। रक्त रंजित हो रे माटी आले वतन की, कफन सर पे बांधे जवाबीर सानी। हमारे हिंदुस्तान में जितने वीर सपूत मने के अपने धरती मां के लिए अपने देश के लिए हंसते हुए जो मर मिटे, उस वीर नौजवान के लिए सत सत नमन। सभी जिस समय सीमा पे नौजवान पहरेदारी करता है, कहा गया कि रात में पहरेदारी ओ करते हैं तो रात में चैन की नींद हम सोते हैं। वो भी किसान का बेटा होता है, लेकिन बार वीर नौजवान हम तो कहा था ऐसा वीर हर जन्म में पैदा हूं, जो अपने देश के लिए अपने हक के लिए अपने बहन बेटियों के लिए अपने अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। लेकिन मार साहब गजल की भाव कहना बा बाह कहा बे में तेरा जलवा काशी में न जा मन ही, लेकिन कहना बा यही भाव में कैसन कभी ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी। थे शेर बाबर नाहर और ये आप बड़े भैया रवि कुमार कनौजा कला की धरती से इक्यावन रुपए देखिए सम्मान किए, भाव को समझते हुए सुनो भैया के प्रणाम बा। कहना बा कैसन हे सर बपर नाहर आजादी के दीवाने मस्ता
यही से कहानी की शुरुआत बा। केकर कहानी बा, कामा की कहानी बा। एक एक लाइन पे गौर करी। हाँ, जौहरी में कहाना बा मार सब क्वेश्चन। कहानी की पहली समझा बा। कहानी हम के बा, भारत की देखी हालत। जब वीर बन गए बागी, अब जननी की गरिमा को। भारत की देखी हालत, जब वीर बन गए बागी, अब जननी की गरिमा को कोई कैसे करेगा दागी। अब चकना चूर करेंगे अंग्रेजों का हर सपना। जान भले ही चल जाए, लेकिन हम अंग्रेजों का गुलामी नहीं करेंगे। अब भारत माँ का नारा लगा कि वंदे मातरम का नारा लेकर आज हम अपने घुसपैठियों का चकना चूर सपना हम करेंगे। ये कहानी यहाँ की बाया भैया। सन 13 अप्रैल सन 1919 का बात था। सन 1919 का बात था। 13 अप्रैल पंजाब में जलियांवाले बाग में, जलियांवाले बाग में लगभग 20,000 क्रांतिकारी का मेला, वैशाखी मेला लगा था। और आज भी प्रमाण बा कि वैशाखी मेला पंजाब में जलियांवाले बाग में आज भी लगा था। वैशाखी मेला लगा था और उसी जलियांवाले बाग में, उसी मेले में हमारे हिंदुस्तान के सभी नौजवानों अपने क्रांतिकारी अपने देश के लिए सही हित के लिए मीटिंग करवाई। किसी जलियांवाले बाग में तमाम हमारे वीर नौजवान जुटेंगे और हम लोगों का एक नारा रहेगा। एक नारा रहेगा, एक सपना है कि हमारा देश कब तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। अगर हम सब एकत्रित होकर इस फैसले का एक समझौता की तरह अगर हम लोग आगे नहीं कदम बढ़ाएंगे, तो हम सब एकदम अंग्रेजों के पैरों के नीचे कब तक दबे रहेंगे। जब मेला लगा भैया, उसी दौरान उसी समय बैसाखी मेले में जलियांवाले बाग में एक आतंकवादी जिसका नाम पापी नलायक दुष्ट, जिसका नाम रही जनरल डायर। जनरल डायर उसी जलियांवाले बाग में 18 मिनट लगातार गोली चलवा दिया। 18 मिनट गोली जब चलवा दिया तो उसी जलियांवाले बाग में कितनी हमारे देश के नौजवान अपनी जान बचाने के लिए कोई कुएं में कूद गया, कोई गड्ढे में कूद गया, कोई पैरों के नीचे कितने दब कर मर गए। लेकिन ए भैया, उस समय पापी शैतान जल्लाद उसी भिड़िया में एक लड़िका रही अपने बाबू के साथ ही। उ लड़िका के नाम रहे, उ लड़िका की उम्र 12-13 बरिस की बा। उसी भिड़िया में उ लड़िका के नाम रहे
उधम सिंह। उधम सिंह अपने बाबू के साथ ही मेला देखे बड़ा जिद से गए कि बाबू आज हम और मेला देखे चलो। और मेला में देखी का विकास बा, का होत बा, कैसे भीड़ इतना लगल बा। लेकिन ए भैया, जिस समय 18 मिनट लगातार गोली चलवाई जनरल डायर ने, उसी बीच में अपने बेटवा के बचाव के चक्कर में उधम सिंह की पिता गोली खाकर अपनी जान दे दिए। और मरते दम तक अपने बेटवा से कहे कि उधम सिंह वादा करा कि जलिया वाले बाग में जितना क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, गोली खा के मर गए हैं, उस जनरल डायर के बदला, जनरल डायर से बदला जरूर लिया। और उधम सिंह उसी समय अपने पिता से वादा करता है कि बाबू हम आपकी कसम खा के कहा, इस वतन की कसम खा के मैं कहता हूँ कि जब तक मैं जनरल डायर को मारूंगा नहीं, तब तक मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि हमारे वीर नौजवान की आत्मा को दुख मिले और ठेस पहुंचे। इतना बतिया कहा कि उधम सिंह के पिता अपन प्राण दे देते हैं और जनरल डायर की खोज में यार निकल पड़ता है 12-13 वर्ष की उम्र बा। माँ सब कहना बा कैसन, गीत के बड़ा भलिया संकेत बा, कोनो दुल्हिन कहे का कहे, शब्द पे आप लोग ध्यान दिया, उस समय बदले की आग में 12-13 बरिस की उधम सिंह बा और जनरल डायर की खोज में निकल पड़ता है, यही भाव में कहना बा कोई सा। उस समय उधम सिंह 12-13 वर्ष की उम्र बा, लेकिन धीरे धीरे समय बीतत बा कैसन, धीरे धीरे बीतल 20 साल के समैया, अरे छोड़ के पंजाब उधम गई ले बम्बईया। बारह तेरह वर्ष की उम्र में धीरे धीरे समय बीता, जनरल डायर की खोज में पंजाब छोड़कर मुंबई में गया। मुंबई में जब आए, जुहू चौपाटी के किनारे जब आए, समुद्र के किनारे जब आए, तो जनरल
डार की खोज में चारों तरफ दूरबीन लगा के देख रहा है, लेकिन ए भैया उसी समुद्र में तमाम नाव चल रही है। एक नाव चलत बा, उसी नाव में ढेर यात्रीगण सवारी कर बैठे हैं, लेकिन थोड़ी देर में कहे के भाई होनी के केहू टाल न सके। समय के अनुसार सबके ऊपर होनी होकर रहती है, लेकिन भैया उसी समुद्र में तूफान आ गया। उनैया एकदम डूबे लाग, उनैया जब डूबे लाग एकदम तैरा लाग, तब उधम सिंह दूरबीन लगा के देखत, अरे इतना नैया डूबता, नैया में तमाम लोग सवारी किए हो, जैसन छलांग मार के कूदे चाहे, फिर हमारा देश के नौजवान बहन बेटी एकदम डूब के मर रही है। भैया बाबू क्यों लोग बचावा, लेकिन क्यों कहे कूदे भाई, अपन अपन जान सबको प्यारी बा, लेकिन उधम सिंह सोचे कि अगर हम कूद जाइए तो भाई जिंदगानी की कोनो भरोसा नहीं बा, लेकिन फिर सोचे कि मैंने अपने बाबू से वादा किया है कि जब तक मैं जनरल डार को मारूंगा नहीं, तब तक मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरी जान चली जाए और बाबू का सपना अधूरा हो जाए। लेकिन जब उस समुद्र में नाव बचाने के लिए कोई जब कूदता नहीं है तो छलांग मार के उधम सिंह कूद जाता है। कूद जब जाता है तो नैया के डूबने से बचाता है, और नैया पे एक लड़की सवार है जेके नाम रहे रेखा, जेके नाम रहे रेखा, और रेखा भी चिल्लाता भैया बचाओ बचाओ, नाव डूब रही है। जब उधम सिंह नाव बचाने के लिए जब उस समुद्र में कूदे, सब लोग को बचाए, तरेखा जब निकली समुद्र से, तरेखा एकदम देखते ही रह गई क्या उधम सिंह की, धन्यवाद करने लगी कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम सब की जान बचाई। लेकिन रेखा उधम सिंह के जब देखो है तो देखते ही रह गए एकदम, जब देखा रहे तो वो समय कहे कि देखा का देखा था, कहीं देखा हमार नाम बा रेखा, लेकिन नैया डूबत बा, नैया डूबे से बचा हुए, और तमाम आरी बगल जो नैया रही तूफान से उन्होंने एकदम हल्का रथ हुई, गीत लग गई मार सबका नवा। बड़ी सुंदर गीतिया के रामदेव गुरु गाव है, कोई से गाव है तनिक के लैला हो ए पलमुआ लैला हो ए राजा लैला हो, तनिक के लैला हो पलमुआ हमके को तोरा, लेकिन डूबल धारा बीचे और धारा बीचे डूबल धारा बीचे रेखा के नवारिया, रेखा जब देखा उधम सिंह के कहा कि देखा हम तो से एक को नजर में तो से बड़ा बेपनाह मोहब्बत करी ला। उधम सिंह का है लड़की ओए मेरा धन्यवाद ही करो कि मैं तुम्हें बचाया, अब बचाने के नादे हमें इनाम यही मिला कि हमसे तुम मोहब्बत करती हो, प्रेमालाप करती हो। और एका बहुत बड़ी सेठ कबीटिया रहे जेके नाम रहे धनपत राव सेठ, बहुत बड़े सेठ थे, कहे देखा हमार नाम रेखा बा, हम तो से बेपना मोहब्बत करीला, लेकिन हम चला तोरे परासिनपुर, वाह महान है कवि जी। लेकिन है भैया उस समय रेखा उधम सिंह को लिवा के गई अपने पिताजी से मिलवाती है,
मिलवाती है, पर्ची करवाती है। पर्ची करवाने के बाद कहने लगी, पिताजी मरने से मैं आज बच गई। आंख में आंसू लेके धनपत राव सेठ की गले मिलकर कहने लगी, पिताजी आपकी ये परी मरने से बच गई। धनपत राव सेठ कहने लगे, रे बिटिया क्या हुआ, कैसन हुआ, क्या हुआ, कैसन हुआ, बताने लगी पूरी बात कि ये नौजवान आया, नाव डूबने से बचाया और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। एक ही नजर में इनसे हमसे प्यार हो गया। लेकिन जब उधम सिंह की बतिया सुने, उधम सिंह से एक बात कहने लगी, क्या कहे, गीत लग गई। कोना दुलाहिन अपने सैया से कहे कि हम मेला देखो, लेकिन दुलावा कहे, क्या कहे, नया नोहर या भिकनिया बरू, मेला देखाई के जिदक रतारू, नया नोहर या भिकनिया बरू, मेला देखाई के जिदक रतारू, हमरा के डलले बरू, काहे तू झमेला में, झमेला गोरिया हेरा जाइबू मई हरि के मेला में, कहानी पिघोर कराए भैया। उस समय रेखा उधम सिंह से कहा था, का कहे, तोहरा बिना हम जी ना पाई, जिंदगी तोहरे साथे बिताई, तोहरा बिना जी ना पाई, जिंदगी तोहरे साथे बिताई, साथ हमन छोड़बै तोहर, हाँ मैया या राजा जी, राजा जी, अपना जीवन के साथी हमरा के बना ले, गौर कराए भैया। उधम सिंह जब इतना सुनता है रेखा की बात, डर की कहता है, लड़की रेखा तुम मेरे बारे में क्या जानती हो, हमारे पंजाब की धरती पर जलिया वाले बाग में कितने नौजवान वीर सपूतों देश के लिए शहीद हो गए और उसी में मेरे पिताजी अपना जान गंवा दिए, और तुम्हें मजाक सुझा है, प्रेम करती हो, लव करती हो, कि जब उधम सिंह कहे रेखा से, रेखा हथवा मिच की कह लगी, देखा हमरे प्यार को मत ठुकरावा। फिर उधम सिंह कहने लगा कि मेरे बारे में जब जानोगी, तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और रेखा कहने लगी, अच्छा बतावा, का बात हो, कैसन बात हो। उस समय